आवाज आ रही है बताओ जल्दी। यस मैम। ओके बोलना नहीं चाहिए बेटा। कल हमने किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आई विल टेक सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एंगल ए। फाइंड एंगल ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल एबीसी, सपोज एबीसी इज एनी ट्रायंगल, एंगल ए इज नॉट गिवन, you have to find angle A. Angle B is 105 degree. Angle C is 50 degree. We know that the sum of three angles of a triangle is 180 degree. Yani ke we know angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. एंगल ए इज नॉट गिवेन, एंगल ए इस तरह से रहने दीजिए, प्लस एंगल बी, एंगल बी इज गिवेन 105 डिग्री, प्लस एंगल सी इज ऑल्सो गिवेन 50 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एट दिस 105 प्लस 50, 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle A is equal to 180 degree minus 155 degree. 155 degree. Ten minus five, five. Seven minus five, two. 25 degree. What is angle A? What is the measure of angle A? Angle A is equal to 25 degree. ठीक है?
एंगल ए, वी हैव फाइंड एंगल ए इज इक्वल टू 100, ये 25 डिग्री, ये एंगल ए निकल गया हमारा। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, वी इफ टू एंगल्स आर गिवन वी हैव टू फाइंड थर्ड एंगल। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया सभी का? ये क्वेश्चन हो गया है? हो मैम गया है तो बस बच्चे मैम बताइए इसे रब करके। ओके, जब तक हम लोग एक और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, वो इधर देखो। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। डिटरमाइन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। डिटरमाइन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। इसका हो गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। नाइंटी डिग्री, लेट मी सॉल्व। शिवम हैज डन, His answer is 90 degree। देखो क्वेश्चन इज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। द सम ऑफ टू इट्स ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल, लेट ए बी सी कोई ट्राइंगल है, लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, लेट ए बी सी इज एनी ट्रायंगल इन विच गिवन में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज एनी ट्रायंगल सच दैट द सम ऑफ टू एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या है तुम्हारा, सी मान लेते हैं। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल का सम जो है तीसरे एंगल के बराबर है। ठीक है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी। सो वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दो तीनों 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल का सम दिया हुआ है कितना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ए प्लस बी इज गिवन एंगल सी के बराबर। तो इसकी जगह पे हम लोग एंगल सी पुट कर रहे हैं, एंड प्लस एंगल सी ये ऑलरेडी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल सी ट्वाइस एंगल सी 180 डिग्री, देयर फोर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई टू 90 डिग्री। देयर फोर एंगल सी तुम्हारा कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी के थर्ड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड शिवम, तुम ये दो क्वेश्चन हमने करवाया ये समझाने के लिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का पे कुछ अगर प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, इसको देख लो दोनों बच्चे, देख लो। इसके अलावा हमने एक और प्रॉपर्टी कल करवाया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस
देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये भी कल हमने करवाया था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम इस पे भी एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि इसको हमारा एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो, ठीक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ये इसे रब करूं, ये हो गया है? यस मैम, यस मैम। अच्छा ओके। कल हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी करवाया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इट स्टेट्स दैट इफ ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angle। इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, लेट एबीसी कोई ट्राइंगल है, इसमें साइड बीसी है, ये साइड बीसी को हमने प्रोड्यूस किया कोई रे तुम्हारा डी तक, बी डी तक, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहता है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मान लिया कि इसमें किसी भी साइड ए बी सी है, इसमें तीन साइड है, कोई भी एक साइड को हमने आगे प्रोड्यूस किया तो ये हमारा एंगल ए सी डी क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है? इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये अब हम लोग इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम इस पे हम लोग एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग रब कर रहे हैं, ये समझाने के लिए हमने लिखा।
क्वेश्चन इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री. एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 30 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल थर्टी डिग्री. फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. सपोज ये फिगर हमारा है ए बी सी, एक ट्रायंगल है. इसमें हमने कोई साइड बी सी को एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल बन गया है. दिस इज गिवन 110 डिग्री और इसके लिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल से कोई एक दिया हुआ है 30 डिग्री. तो यू हैव टू फाइंड द अदर टू एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों निकालना है. ठीक है, शिवम हैज डन. एंगल इज 80 डिग्री एंड एंगल सी 70 डिग्री. ठीक है, एंगल सी तो देखो देखो ये ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा. इसको हम लोग दोनों दो तरीके से बना सकते हैं. पहले हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में एक्सटीरियर एंगल एसीडी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल एसीडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ये दिया हुआ है 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी हमारा नहीं पता है. देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री निकल गया तुम्हारा. ये एंगल बी तुम्हारा कितना निकल गया, 80 डिग्री. और इसी तरह से ये जब निकल गया तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, संध्या इज ऑल्सो डन. सो एंगल ए इज गिवन 30 डिग्री, एंगल बी इज 80 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री. तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये हमारा निकल गया, एंगल सी हमारा निकल गया. ठीक है, दिख रहा है ना, देख लो. अब देखो एंगल सी को हम लोग एक और तरीके से निकल सकते थे. ये 110 है, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन जाएगा. वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. तो 1 ये एंगल सी प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110. ये ऐसे भी निकल जाएगा. तो जो तुम लोग को इजी लगता है वैसे बना लेना. तो ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे हमने एक प्रॉब्लम ले लिया. अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसमें बाकी जो प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग उसको करेंगे. अभी एक्सरसाइज करो. चलिए निकालिए हमारा एक्सरसाइज 6.3. एक्सरसाइज 6.3 इसको नोट कर लो सभी, फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.3 निकालिए. पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 107. ठीक, ओके. एक्सरसाइज 6.3 देखिए, इन द फिगर 6.39 फिगर तुम्हारा दिया हुआ है.
क्यूपी साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली. इफ एंगल एस पी आर इज 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज 110 डिग्री, फाइंड एंगल पी आर क्यू. पी आर क्यू निकालना है हमें. चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. Side QP and RQ, side QP and RQ of triangle PQR, QP and RQ. साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी. एस एंड टी से साइड क्यूपी को एस से बढ़ाया और आर क्यू पी ये इसको हमने टी पॉइंट तक एक्सटेंड किया आगे. तो क्वेश्चन इज एस पी आर इज 135 डिग्री. ये एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी इज ऑल्सो गिवेन 110 डिग्री. फाइंड एंगल पी आर क्यू, ये एंगल निकालना है. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए. ये देखो क्यू पी एस क्या बन रहा है. क्यू पी एस क्या है? क्यू पी एस इज अ लाइन, एक लाइन है ना. क्यू पी एस इज अ लाइन. क्यू पी एस क्या है? एक लाइन है. तो ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा बताइए? 180 डिग्री. क्यू पी आर, हाँ क्यों होगा 180 लीनियर डिग्री? पेयर. लाइन है, लीनियर पेयर भी है और क्यू पी एस एक लाइन भी बन रहा है. तो क्यू पी एस प्लस एस पी आर लिखेंगे. सिंस क्यू पी एस इज अ लाइन, therefore angle QPR plus SPR, angle QPR QPR plus SPR दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री. QPR हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो. SPR 135 डिग्री है, ये हो गया. Therefore, angle QPR is equal to 180 degree minus 135 degree. Solve कीजिए इसको, कितना आएगा? 45. हाँ. Therefore, angle QPR is equal to 45 degree. ये हमारा निकल गया, 45 degree निकल गया. ठीक है, अब यहाँ देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए पी क्यू टी कौन सा एंगल है? पी क्यू टी कौन सा एंगल है इन ट्राइंगल पी क्यू टी? इज एक्सटीरियर एंगल. लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू टी इज एक्सटीरियर एंगल. एंड वी नो डेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके लिए ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो जाएगा और ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा. देयरफॉर
एंगल पी ये पी क्यू टी इज इक्वल टू, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, पी क्यू टी इज गिवन 110 डिग्री एंड पी क्यू पी आर इज ऑल्सो 45 डिग्री प्लस पी आर क्यू, देयर फोर एंगल पी आर क्यू इज व्हाट, बताइए कितना होगा? 65 65, 10 माइनस 5 फाइव एंड 10, यस 65 डिग्री, देयर फोर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, यही निकालना था ना, एंगल पी आर क्यू दिस इज फोर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी बोलो, फिर इसको रब करेंगे। इसका हो गया है और ठीक है, जब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है, उसको नोट कीजिए। इन द फिगर 6.40 एंगल एक्स इज 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री इफ वाई यू एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई जेड ओ, वाई ओ जेड बाइसेक्टर, वाई यू एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट कहता है मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एंगल एक्स इज गिवन 62 डिग्री, सिक्सटी टू डिग्री एंड वायो, ये जो वायो है और यहाँ से ये जेडो है, ये बाइसेक्टर किसका है? दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ये पूरे एंगल और ये पूरा एंगल, एक्स वाई जेड हमारा दिया हुआ 54 डिग्री। तो हमें पहले एक्स जेड वाई निकालो, पहले एक्स जेड वाई निकालो एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, और फिर हम लोग ओ वाई जेड वाई ओ जेड निकाल लेंगे, फिर ये एंगल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वी नो डैट एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। वाई एक्स जेड इज गिवन 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड इज ऑल्सो गिवन 54 डिग्री एंड प्लस एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई हमें पता नहीं है, इससे ऐसी रहने दो, तीनों का सम हो गया 180 डिग्री एंड नाउ 62 प्लस 54 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस एंगल एक्स, देयर फोर एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री 64 होगा, 64 10 7 में से, यस 64, एक्स जेड वाई हमारा निकल गया, संध्या हैज आल्सो डन 64, ठीक है, वेरी गुड संध्या। नेक्स्ट अब देखो क्या निकालना है, अब नाउ सिंस वायो, वायो इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, वायो जो है तुम्हारा बाइसेक्टर है किसका,
एक्स वाई जेड, तो एंगल ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये एंगल आधा एंगल हाफ एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरे का क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलके ये होल एंगल बन रहा है और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सिंस वायु एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ वायु एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई देयर फोर एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये ओ वाई जेड क्या होगा, ये पूरे एंगल का क्या होगा, आधा होगा, दिखती है 27 डिग्री, देख लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री, तो यहाँ आ गया हमारा 27 डिग्री ओ वाई जेड निकल गया, एंड एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कितना होगा, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, तो हाफ ऑफ एक्स जेड वाई हमने निकाला 64 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 3 6 2 2 4 32 डिग्री, ठीक है, यस दीप्ति, तो दोनों एंगल, ये एंगल हमारा 32 डिग्री निकला और ये एंगल 27 डिग्री निकला, तब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई ओ जेड, अब इस ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे द सम ऑफ थ्री एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये दिस इज 27 डिग्री दिस इज 32 डिग्री, तो एंड व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल इज, हाँ गायत्री हैज डन 121 डिग्री, लिखेंगे अगेन, दिख रहा है बोर्ड सभी को, अगेन इन ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओ वाई जेड इज, ओ वाई जेड इज 27 डिग्री, वाई ओ जेड इज नॉट गिवेन एंड ओ जेड वाई इज 32 डिग्री, 180 डिग्री एंड दिस इज 279 आर 3 + 2 = 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फोर एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 10 - 9 = 1, 7 - 5 = 2, यस गायत्री यस यू आर करेक्ट, वाई ओ जेड इज 121 डिग्री हमने निकाल लिया, देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, इसको फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, देख लिए बच्चे, नोट डाउन दीप्ति अटेंडेंस भेज देना, देखो तो पर्व अग्रवाल ग्रुप में ऐड है, पर्व अग्रवाल मैम वो एफ की लड़की है, श्रुति 9F को नींद आ रही है, श्रुति श्रुति लिख रही है कि मुझे नींद आ रही है, क्यों नींद आ रही है श्रुति, समझ में नहीं आ रहा है, श्रुति को मैथ्स के पीरियड में नींद आ रही है, इसका मतलब श्रुति को समझ में नहीं आ रहा है, श्रुति चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हो गया है तो ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे हो गया है, रब करूं,
जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो। क्वेश्चन नंबर थ्री इज ए बी इज पैरेलल टू डी, एंगल बी ए सी इज 35 डिग्री, एंगल सी डी इज 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी। ए बी और डी क्या है, पैरेलल है, और उसमें ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, फिगर देख करके बताओ। श्रेया हैज डन, डी सी इज 92 डिग्री, देख लो कैसे आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, हो जाएगा इसको, हम लोग फिगर ड्रॉ करके समझा देते हैं। अब देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी और डी क्या है, पैरेलल है। ए बी डी पैरेलल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसवर्सल, ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल बी ए ई तुम्हारा दिया हुआ है 35 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 35 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और अगेन इन ट्रायंगल डी सी, व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल, 180 डिग्री, दिस इज एंगल बी इज 53 प्लस 35, कितना हो जाएगा, 58 88 88 डिग्री, 180 में से 188 88 को घटा दो तो एंगल डी सी निकल जाएगा। एंगल डी सी इज